हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और देर रात के अंधेरे में ही 95th एकेडमी अवार्ड्स यानी कि इस साल का ऑस्कर खत्म भी हो गया। तो कौन रहे सभी विनर्स, किस मूवी ने ऑस्कर्स में धमाल मचा दिया और इंडिया ने भी एक नहीं बल्कि दो ऑस्कर्स जीते। तो ये वीडियो देखने के बाद आप 2023 ऑस्कर से एकदम अप टू डेट हो जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बेस्ट मूवीज से, जो कि ऑस्कर्स की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानी जाती है। तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस साल की सबसे बेस्ट मूवी रही। बेस्ट एक्ट्रेस मिला मिशेल यो को अगेन फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अगली कैटेगरी थी बेस्ट एक्टर की और इस बार सबसे डिजर्विंग इंसान को ये अवार्ड मिला और ये है ब्रैंडन फ्रेजर उनके दी वेल मूवी के लिए। इससे जबरदस्त कमबैक मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। दिस मैन डिजर्व्ड दिस। हमारा बचपन बनाया है यार इस बंदे ने। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी थी बेस्ट डायरेक्टर की एंड गेस किसे मिला ये? डेनियल क्वान एंड डेनियल श्नायर्ट फिर से एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अब डायरेक्शन के बाद अगली कैटेगरी थी एडिटिंग की। तो बेस्ट एडिटिंग का ऑस्कर्स फिर से गेस करो किसे मिला होगा? पॉल रॉजर्स फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अगली बारी आई बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीन प्ले की। अब जो नहीं जानते कि एडाप्टेड स्क्रीन प्ले क्या होता है उन्हें मैं बता दूं कि एडाप्टेड स्क्रीन प्ले एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो किसी सोर्स मटेरियल से एडाप्ट की जाती है, जैसे कि कोई नोवेल या शॉर्ट स्टोरी या कोई कॉमिक बुक। तो इस कैटेगरी में अवार्ड मिला सेरा पॉली को उनकी मूवी वुमेन टॉकिंग के लिए। अब अगली कैटेगरी थी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की एंड इस कैटेगरी में इंडिया की तरफ से RRR नॉमिनेटेड थी एंड नाटू नाटू इस कैटेगरी में जीत गई। सो विनर वेर MM कीरवानी एंड चंद्र बोस फॉर नाटू नाटू। सॉन्ग के बाद बारी आई बेस्ट ओरिजिनल स्कोर की यानी कि बैकग्राउंड स्कोरिंग। तो इसमें वॉल्कर बर्टलमन विनर रहे मूवी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। एडाप्टेड स्क्रीन प्ले जो आई थी उसके बाद इस बार बारी आई बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की और इसमें अवार्ड मिला डेनियल क्वान और डेनियल शीनर्ट को अगेन फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। उसके बाद बारी आई कुछ एनिमेशन की। तो बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट के विनर रहे चार्ली मैकेसी एंड मैथ्यू फ्रायड द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स के लिए। तो इस बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी ऑस्कर्स में बाजी मार गया बट अनफॉर्चुनेटली वो एंजेला बेसेट नहीं रही। ये कैटेगरी रहा बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का और इसमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर विनर रहा एंड रूथ कार्टर इस अवार्ड को घर ले गई बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। उसके बाद बारी आई बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग के लिए और इसमें भी डिजर्विंग मूवी को मिली है भैया। तो विनर रही एड्रियन मोरॉट जूडी चिन और एनी मैरी ब्रैडली द वेल मूवी के लिए और इन्होंने ब्रेंडन फ्रेजर को जिस तरह ट्रांसफॉर्म किया था मूवी में वो सच में गजब का है। सिनेमेटोग्राफी के कैटेगरी में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट बाजी मार गई और अवार्ड जेम्स फ्रेंड के नाम चली गई। लाइव एक्शन शॉर्ट मूवी के लिए अवार्ड टॉम बर्कली और रोज वाइट को दी गई उनकी मूवी एन आयरिश गुडबाय के लिए। इसके बाद एक और बड़ी कैटेगरी आई बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स की जो कि अनडाउटेडली अवतार द वे ऑफ वाटर ले गई जिसमें जो लेटेरी, रिचर्ड बैनहम, एरिक साइंडन और डेनियल बैरेट विनर रहे। वैसे ये तो होना ही था, अवतार अपने VFX में किसी से पीछे नहीं रहता। अब बारी थी इंटरनेशनल फीचर की। अब ये कैटेगरी क्या होती है मैं बता देता हूँ। इसमें उन मूवीज को लाया जाता है जो मेनली USA से बाहर बनी हो, फीचर लेंथ की मूवी हो और जिसके डायलॉग्स डोमिनेंटली इंग्लिश में ना हो। तो इस कैटेगरी में आने के ये रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो इस कैटेगरी में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी से विनर रही। अगली कैटेगरी थी बेस्ट साउंड की। अब ये कैटेगरी क्या होती है वो भी बता देता हूँ। इस कैटेगरी में एकेडमी देखती है कि किस मूवी की साउंड मिक्सिंग, रिकॉर्डिंग, साउंड डिजाइन और साउंड एडिटिंग कमाल की रही है। तो इस कैटेगरी में ऑस्कर मिला मार्क विंगार्टन, जेम्स मैथर, एल नेल्सन, क्रिस बर्डन और मार्क टेलर को टॉप गन मेवरिक के लिए। नेक्स्ट थी बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन। अब इस कैटेगरी में वो देखते हैं कि किस मूवी का आर्ट डायरेक्शन बढ़िया है यानी बैकग्राउंड, प्रॉप्स, स्क्रीन में एडिशनल एलिमेंट्स ये सारे। तो इसमें क्रिश्चियन एम गोल्डबेक और अर्नस्टाइन हीपर विनर रहे उनकी मूवी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। अगली कैटेगरी थी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की यानी फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री में कौन बेस्ट रहा। तो ये अवार्ड मिला डेनियल रॉहर, ओडेसा राय, डायना बेकर, मिलानी मिलर और शेन बोरिस को उनके डॉक्यूमेंट्री नेवालनी के लिए। फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री के बाद बारी आई बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट की और इसमें फिर से इंडिया बाजी मार गया। ये अवार्ड मिला कार्तिकी गोंजाल्वेस और गुनीत मोंगा को उनके शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दी एलिफेंट विस्परर्स के लिए। उसके बाद आई बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जिसमें विनर रहे के हाय कुमान और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जिसमें विनर रही जेमी ली कर्टिस और दोनों ही सोचो किस मूवी के लिए, हाँ जी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और सबसे आखिर में रही बेस्ट एनिमेटेड फीचर कैटेगरी
कैटेगरी की, जिसमें विनर रहा गिलेर्मो डेल टोरोस पिनोक्यू। तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को 7 ऑस्कर्स मिले और ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को 4 ऑस्कर्स। इंडिया के नाम 2 ऑस्कर्स रही और एमसीयू 1 ऑस्कर ही जीत पाया। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस आखिर है क्या, तो बेसिकली ये मूवी मल्टीवर्स पर बेस्ड है, जहां मल्टीवर्सल थ्रेट भी है और वेरियंट्स भी। एंड यस, ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से ज्यादा बढ़िया मल्टीवर्स को एक्सप्लोर की थी। तो ये मूवी अब तो तुम सब जरूर देखना, एंड आगे वीडियोस भी आते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद सुपर इंडिया। वैसे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस और इस आरआरआर वाले को मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की सोच रहा हूं, तो कमेंट में बताना कि आई शुड डू इट और नॉट। और ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू सुपर इंडिया।